नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर फ्रॉम हैदराबाद टेक्निकल एनालिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस ट्रेडिंग ट्रिक्स। आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो यह सब्सक्राइब बटन है, यह सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बिसाइड एक बेल आइकॉन भी नोटिफिकेशन अनेबल कर लो, सो फ्यूचर में मेरा वीडियो कुछ भी आप मिस नहीं होते। आज एक मारुति स्टॉक के बारे में हम लोग ट्रेडिंग लेवल्स निकालेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स। क्यों मारुति सेलेक्ट किए बोले तो कल का वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम डबल हो गया, सो इसके हिसाब से एक बार लेवल्स निकाल के कैसे ट्रेड करना उसमें वो एक बार हम लोग देखेंगे। सो यूजुअली इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स निकालने के लिए मैं रेगुलर ट्रेंड लाइन्स डालने के पहले मैं एक 10 डेज टोटल 10 डेज में जो ट्रेंड हुआ उसके उसके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स निकालता हूँ मैं। सो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम रखा था लेवल्स निकालने के लिए। इसमें आपको स्टार्टिंग डे लो से हायर लो एक लाइन डाल दिया मैं, एक ट्रेंड लाइन। सो मार्केट नीचे नहीं है, सो ये लो लेवल से इमीडिएट लो लेवल, ये लेवल है एक्चुअली, ये डालेंगे। नेक्स्ट टेन यहाँ से यहाँ तक, ओके। सो फर्स्ट डे का हाई से हायर हाई एक टच किया, एक लाइन जा रहे यहाँ। सो मार्केट ऊपर नहीं है, थोड़ा नीचे आया। सो नीचे आया तो आज का हाई इमीडिएट आपको हायर है, ये है, ओके। सो अभी हम लोग कैसा हम लोग लेवल्स प्राइस मोमेंटम कैसा रहता वो एक्सपेक्टेशन करने के लिए क्लियरली ऑब्जर्व कर लो। सो पहले एक रेंज है, ठीक है, एक रेंज है, रेंज ब्रेकआउट करके थोड़ा नीचे आया। सो नीचे से आप वो क्लियरली आप चेक किया तो नीचे भी एक रेंज हुआ, ठीक है। पहले रेंज स्टार्ट किया 10 डेज के अंदर, इसके बाद उसमें रेंज ब्रेकआउट करके नीचे आया। नीचे आने के बाद एक रेंज बनाया, रेंज बना के अभी ये रेंज ब्रेक किया, राइट। अभी ये रेंज ब्रेक किया ना, सो एक्सपेक्टेशन क्या है, ये रेंज का हाई है ना, हाई लेवल, ये हाई लेवल यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस है, ठीक है। सो अभी हम लोग इसमें नेक्स्ट रेंज का लेवल क्या किधर है, ये रेंज का लेवल नीचे का 390 लेवल, ओके, 9390। सो आपका बेस्ट बाय होगा आपको 9380-9090 बीच में। और एक बात क्या है कि यह ओनली स्पॉट लेवल्स मैं दे रहा हूँ, मारुति का स्पॉट लेवल है, नॉट फ्यूचर लेवल, ओके। सो बेस्ट बाय 9380-9090 एंड आपको यह सपोर्ट मिला था, और कल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, सो 9280। सो नियरली 100 पॉइंट्स है, सो 100 पॉइंट्स है तो मिनिमम हम लोग एक 200 पॉइंट्स लिया तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता इंट्राडे में, मगर कोशिश करेंगे ये वहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। सो देखो ये लेवल, इसका रेंज एक बार चेक कर लो, राइट, इसका रेंज कितना। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सो इसका हाई ले लेंगे हम लोग 9185, तो 9185 माइनस लो, सो 139 पॉइंट्स रेंज है। सो एग्जैक्ट रेंज में हम लोग पकड़ रहे हैं ना, सो ये डिफरेंस हम ऐड करेंगे हमारे बाय प्राइस को 9390, सो 9529 इज फर्स्ट टारगेट एंड नेक्स्ट टारगेट आपको ये लेवल जाएगा ऐसा कंटिन्यूसली जाने के बाद। इसका पहले एक बार हम लोग
और एक ट्रेंड का थ्री मंथ्स का ट्रेंड एक बार चेक करेंगे। सो थ्री मंथ्स का ट्रेंड हम लोग चेक किया तो एक प्राइस वैल्यू बार बार टच हो रहे है ये 9500 लेवल और थोड़ा नीचे, ठीक है, नीचे 9300। सो ये एक रेंज हो गया, ठीक है। सो 9300 9500 एक रेंज हो गया। अभी कल अगर 9500 ब्रेक कर किया समझो, सो रेंज ब्रेकआउट हुआ ऐसे समझना है। रेंज ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट थोड़ा अच्छा मोमेंटम, अच्छा बुलिश मोमेंटम आएगा। रेंज ब्रेकआउट ऊपर का रेंज ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा बुलिश मोमेंटम, लोअर साइड रहे तो बेरिश मोमेंटम, ठीक है। सो कहाँ तक जाएगा वो हम लोग चेक करने के लिए ये लेवल से। सो ये लेवल टच किया था ना, ये लेवल, यस। सो इंट्राडे में होगा नहीं होगा, मगर 9900 लेवल यहाँ बता रहे आप हमारा बाइंग प्राइस लेवल से 400 बोले तो अराउंड 500 पॉइंट्स बता रहे। मे बी मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम, क्योंकि आज का वैल्यूम भी चेक किया तो 6,84,000 है। सो कल 3 लाख है, सो डबल हो गया। सो वो कंटिन्यूशन वैल्यूम के साथ अगर मार्केट जाना है तो 9500 अब लेवल कब टूटेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट 9529। सो 9529 एक बार ब्रेक करने के बाद ये 9900 तक जाएगा, नहीं तो और एक लेवल है बार बार टच किया एक बार वो भी चेक करेंगे इसका अबव। सो ये लेवल टच कर रहे हैं ना, ये लेवल है तो एक ही बार टच किया, एक बार चेक करेंगे। सो 9700, सो थोड़ा 9700 अबव जाएगा और मार्केट बुलिश मोमेंटम है तो आप 9900 तक रुक सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कल और एक स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। गुड नाइट।